So welcome friends, this is Amrish Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amrish Kumar. दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल Keep Learning with Amrish Kumar में. So dear students, आज का टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है. आज मैं कराने वाला हूं आपको मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल. की फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स अगर गिवन है आपको तो वहां पे किन कंडीशंस में फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, किन कंडीशंस में मिनिमम वैल्यू होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास मैक्सिमम वैल्यू ना हो और ना ही मिनिमम वैल्यू हो, और अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो वो किस पॉइंट पे है, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं उनको आप, कि वो किस पॉइंट पे है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये सभी हम इस लेक्चर में करने वाले हैं. तो ये लेक्चर आपका बीएससी एंड बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है. एडवांस्ड कैलकुलस जिनके भी सिलेबस में है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से है, बीएससी चाहे वो केयूके से कर रहा है, चाहे वो एमडीयू से कर रहा है, सीडीएलयू से, डीयू से, बीएचयू से, सभी यूनिवर्सिटीज में जहां भी ये सिलेबस है जिसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों. और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वैसे सब्सक्राइब तो करते नहीं आप भी, मेरा रोज कहना मैं ऐसा ही जाता है कि क्या तो मर्जी है आपकी, सब्सक्राइब करना है करें, लेकिन यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो वो भी मैं कह के देख चुका हूँ, लाइक कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते, अच्छी लगे तो कर देना, नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन बट आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपने प्रॉपर नोट्स आप रेडी करते रहें, और आपको मैं डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराने की डेली कोशिश करता हूं. सो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स मैंने आपके पास ये आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ से मैं आपको सभी बेसिक डिटेल्स क्या कैसे आप किसी भी फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन निकालते हैं, इन कंडीशंस के अंदर होगा ये बात करेंगे. तो आपको गिवन है fxy = 3x² - y² + x³. आपको यहाँ कहा है उसने कि फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यूज फॉर दिस फंक्शन, और ये कह दिया आपको कि फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट. मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ बताते हुए चलूंगा. तो यहाँ पे जैसे आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं आपके, यहाँ पे एक्स वाई है, हो सकता था एलेवन हो, मैं बार बार बताऊँ, क्रैम नहीं करनी चीजें आपको. सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन. अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करें आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो मैं पहले करने वाला हूं, फर्स्ट स्टेप है आपका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप इसको डेरिवेट कर लें, कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स. ठीक है, कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स क्या होगा आपका 6x - y² 0 हो जाएगा प्लस 3x². कर्ली एफ बाय कर्ली वाई भी फाइंड कर लें आप, इसकी भी नीड पड़ेगी आपको. ये क्या आ जाएगा डिफरेंस आपका माइनस 2y. इसके बाद कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स और कर्ली एफ बाई कर्ली वाई कर्ली वाई फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों को जीरो के इक्वल पुट करना है. तो जैसे इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, नाउ कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स इक्वल टू जीरो. कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स की वैल्यू क्या है, 6x + 3x² = 0. यहाँ पे क्या कौन है आपका 3x, तो ये मेरे पास बचा 3 × 6 + 3, तो कॉमन आ गया आपका x = 0. तो यहां से दो नंबर्स हैं डिफरेंस 3x एंड 2 + x. दो नंबर्स के प्रोडक्ट जीरो तभी पॉसिबल है जब उनमें से एक जीरो हो. अब या तो आपका 3x जीरो होगा या आपका 2 + x जीरो होगा. तो मैं ले लेता हूं विच इंप्लाइज आइदर 3x = 0 और 2 + x = 0. तो यहां से x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, यहां से फिर से अगेन दो आपके पास नंबर्स की प्रोडक्ट है 3 की और x की, दोनों में से एक आइदर होना जरूरी है. तो 3 तो आपका 0 नहीं है, इट मींस आपका क्या होगा x 0 होगा, तो x 0 आया आपका. और यहां से क्या एडिशन आपका x = कितना आ गया -2. ठीक है, उसके बाद आप कर्ली एफ बाई कर्ली वाई को 0 के इक्वल पुट करें, नाउ कर्ली एफ बाई कर्ली वाई इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहां से क्या होगा -2 × y = 0. तो यहां फिर से दो नंबर की प्रोडक्ट जब भी जीरो होगी उनमें से एक को होना बहुत जरूरी है जीरो. तो यहाँ से दो जीरो है नहीं आपका, तो y जीरो है, मींस मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि which implies y = 0. इसके बाद स्टूडेंट्स हम टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ से पॉसिबल है वो हम फाइंड कर लें. तो यहाँ से क्या देखो आपका x जीरो है और y तो एक ही आया है आपका, कि y क्या है आपका 0. तो एक तो ऑर्डर्ड पेयर बना आपका x 0 और y भी क्या है 0.
तो आपके ये पॉइंट्स बने एक तो जीरो एंड जीरो। अब सेकंड पॉइंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे y की एक ही पॉसिबिलिटी है, y क्या आ रहा है जीरो, बट x की दो पॉसिबिलिटी है कि x क्या है आपका माइनस टू भी हो सकता है, तो माइनस टू को लेंगे और y को क्या है आपका दोनों ही केस में y क्या है आपका जीरो। तो दो पॉइंट साइड डिफरेंस मेरे पास जीरो जीरो एंड माइनस टू जीरो, तो इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे या तो उसके पास मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या किसी भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है या दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम, ना तो मैक्सिमम वैल्यू हो ना मिनिमम वैल्यू हो, उनका मीनिंग क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। डिफरेंस वो कहता है कि ये फंक्शन दिया हुआ है कि मैं इसमें एक्स को क्या पुट करूं और जीरो को क्या पुट करूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आए, और मैं एक्स को जीरो वाई को क्या पुट करूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू आए। तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी भी या नहीं करेंगी। ऐसा भी हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू हो ही ना इसके पास, मिनिमम वैल्यू ना हो उसके पास, ना भी रहे, ऑल्टरनेट साइंस के साथ मिलती रहे, तो ये एक प्रोसेस है। तो फर्स्ट में मैंने बताया आपको कर लिया एफ वाई, कर लिया इसको जीरो रखना है, सेकंड में कर लिया एफ वाई, कर लिया वाई को जीरो रखना है, उसके बाद इन दोनों को सोल्व करके आपने जो भी पॉसिबिलिटीज हैं आपकी पॉइंट्स के ऑर्डर पेयर की वो फाइंड कर लिया। तो दो पॉसिबिलिटी डिफरेंस आपके पास, या तो पॉइंट क्या होगा जीरो जीरो या आपका माइनस टू जीरो। तो जो हम काम किसी एक पॉइंट के लिए करेंगे वही सेम आपका दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के लिए होगा। सो क्वेश्चंस अगर सपोज करो किसी क्वेश्चंस में हो सकता है ये चार ऑर्डर्ड पेयर हो, तो जो काम एक के लिए होगा किसी एक को आप केयरफुली देख लें कैसे होगा, वही सेम काम आपने सब पे प्रोसेस को सेम ही अप्लाई करना है। सो क्वेश्चंस हम करते हैं फर्स्टली जीरो जीरो पे काम। तो एट जीरो जीरो की अगर मैं बात करूं, एट जीरो जीरो से पहले आप क्या करें, हमने कर ली टू एफ बाई, कर ली एक्स स्केयर भी फाइंड करना है, कर ली टू एफ बाई, कर ली वाई स्केयर भी फाइंड करना है, कर ली टू एफ बाई, कर ली एक्स, कर ली वाई भी फाइंड करना है। तो क्या कर ली टू एफ बाई, कर ली एक्स स्केयर फाइंड कर ले, यहाँ पहले क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा सिक्स प्लस सिक्स एक्स, ठीक है। कर ली टू एफ बाई, कर ली वाई स्केयर, इसको भी फाइंड करने की नीड है हमें, तो वो क्या आएगा आपका माइनस टू। उसके बाद आप करली टू एफ बाय, करली एक्स, करली वाई, इसको फाइंड कर ले, ये क्या आने वाला है आपका, या तो आप एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में कर दें या आप वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें। तो अगर एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी जीरो आ रहा है, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करें तब भी आपका क्या आ रहा है जीरो, दोनों ही केस में क्या है जीरो। तो इन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद अब हम चलते हैं किसी एक पॉइंट के पास। जो काम मैं अब जीरो जीरो पे करूंगा सेम प्रोसेस आपका हर पॉइंट्स के लिए फॉलो होता है, चाहे वो कितने भी ऑर्डर पेयर आ जाए। तो मैं करता हूं पहले फर्स्टली काम एट जीरो जीरो। अब इस पॉइंट पे डिफरेंस आपने क्या करना है, तीन कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं। देखो ये ध्यान आपने बिल्कुल अच्छे से आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्डली, ये कोई चेंज नहीं होगा आपका कि ए जो होगा डिफरेंस आपका ए जो होगा वो होगा करली टू एफ बाय करली एक्स स्क्वायर एट जीरो जीरो। जिस भी पॉइंट पे काम कर रहे हैं उसी केस में उसी के अकॉर्डिंग ए बन जाएगा। तो ए जो आपने लेना है हर केस में वो यही लेना है, स्टैंडर्ड है कि x के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव फंक्शन का, और उस पॉइंट पे जिस पे आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं या नहीं, वो बात की बात है, क्या कंडीशंस में बताऊंगा आपको अभी। सो a आपका ये होगा, तो आप चेक कर लें करने बाई कर लिए x के की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 6 है, क्या पुट करना है हमने x को भी 0 पुट करना है y को भी 0। तो जैसे x को 0 पुट करेंगे तो क्या देगा ये आंसर आपको 6। उसके बाद डिफरेंस आपने b फाइंड करना है, b की वैल्यू याद रखनी है आपने, वो क्या होगी कर ली टू एफ बाई कर ली एक्स कर ली वाई, ये भी सेम पॉइंट पे काम कर रहे हैं एट जीरो जीरो। ये क्या होगा, ये तो आप कुछ भी पुट करें इसमें, ये क्या आ रहा है आपका ऑलवेज जीरो ही आ रहा है। उसके बाद c जो होगा डिफरेंस वो आपका होगा कर ली टू एफ बाई कर ली वाई स्क्वायर। अब कर ली टू एफ बाई कर ली वाई स्क्वायर की बात करें वो भी क्या करनी है आपने एट जीरो जीरो ही बात करनी है, वाई की कौन सी डेंस, ये तो आपके कॉन्स्टेंट ही आ रहे हैं, तो sdg रखना पड़ेगा हमें माइनस टू। सो डियर फ्रेंड्स मैं इसका याद रखने का तरीका बता दूं आपको कि जो b मतलब आप ऐसे याद रखें क्योंकि ये स्टैंडर्ड चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने रिप्लेस कर दिया इसको c नाम दे दिया इसको ये इसको, तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है सारा प्रोसेस आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो जो b होगा डियर फ्रेंड्स वो क्या होगा आपका, b मतलब बहुत, बहुत मतलब दोनों, सभी को पता है, तो दोनों मतलब x एंड y दोनों के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको b नाम देना आपने, और x से स्टार्ट करना है, x पहले आता है, a भी अल्फाबेटिक में पहले आता है, ये अपना याद रखने का तरीका, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो मैंने बताया आपको याद रखने का तरीका a पहले x पहले, तो मतलब आपका a होगा करली टू एफ बाई करली एक्स के ऑलवेज, और b मतलब बहुत, दोनों के रिस्पेक्ट में कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, देखो नाउ
कंडीशन चेक करनी है मैक्सिमलिटी और मिनिमम कैसे होगा, तो ए सी माइनस बी स्क्वेयर आपने सबसे पहले फाइंड करना है ये क्या आएगा। तो ए कितना है हमारा 6 इंटू बी, बी कितना है सी कितना है आपका माइनस 2 माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर कितना है 0, तो ये आपका माइनस 12। तो जब भी आपका ए सी माइनस बी स्क्वेयर लेस देन 0 आ जाए डिफरेंस, ए सी माइनस बी स्क्वेयर जब भी आपका लेस देन 0 आए, तो उस केस में कहते हैं हम कि जो ये पॉइंट्स है आपका 0 0, ना तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इसके पास मिनिमम वैल्यू होगी, तो हम कहते हैं कि ये सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट मतलब कि ना इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इसके पास मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैं यही कहूंगा यहां से कि हेंस जो 0 0 है आपका वो क्या है डिफरेंस आपका सैडल पॉइंट है आपका, सैडल पॉइंट मतलब इसके पास ना इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इसके पास मिनिमम वैल्यू होगी। अब आते हैं -2 0 पे, एट -2 0 सेम प्रोसेस करना है, ए फाइंड करना है आपने कर्ली 2 एफ बाय कर्ली एक्स स्क्वायर एट -2 0। तो कितना आएगा डिफरेंस आपका, ये है आपका x के प्लेस पे क्या पुट करना है -2 y के प्लेस पे 0 y तो अनअवेलेबल है यहां पे, तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 6 तो -6 आ जाएगा डिफरेंस आपका, ये कितना आया -6। उसके बाद b की बात करते हैं, b कितना आएगा आपका कर्ली 2 f by both कर्ली x कर्ली y at -2 0, तो ये आपका ऑलवेज क्या है 0, तो ऑलवेज 0 ही रहेगा ये। c क्या होगा आपका कर्ली 2 f by कर्ली y स्क्वायर कितना आएगा आपका एट -2 0, ये भी -2 है तो आपका ये कितना आ जाएगा एट -2 0 कितना आ गया आपके माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब इसी केस में फिर हमसे अगेन क्या आप चेक करेंगे ac माइनस b स्क्वायर कितना आएगा आपका, a की वैल्यू -6 b की वैल्यू 0 सॉरी b तो 0 है ही, c कितना है -2 तो -6 -2 और ये आपका -0 तो कितना आया 12, तो ये आया आपका ग्रेटर देन 0। अब केस बनते हैं डिफरेंस क्या, अगर ac माइनस b स्क्वायर क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपका यहां पे क्या है ac माइनस b स्क्वायर क्या आया है आपका ग्रेटर देन 0 आया है। अब जब ये ग्रेटर देन 0 है फिर हम a के साइन से डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, तो a कितना है आपका -6, a कितना है आपका -6 है जो कि लेस देन 0 है आपका डिफरेंस। अब ध्यान से देखें आप, ये अगर ग्रेटर देन 0 है आपका और अगर a लेस देन 0 है, याद रखने का तरीका बताता हूं मैं, तो अगर a लेस है तो लेस से ओपोजिट याद रखें आप कि इसके पास क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब जो -2 0 ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे कैसी वैल्यू मिलने वाली है आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, या ये कहें कि ये क्या है आपका मैक्सिमम पॉइंट है, तो क्या है विच इंप्लाइज -2 0 इज जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई मतलब एफ में आप -2 पुट कर दें एक्स के प्लेस पे वाई को 0, तो कितनी आएगी आपकी एक्स के प्लेस पे -2 -2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका +4 3 4 जाए कितना हो गया आपका 12, और 0 है वाई तो और -2 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -8, तो ये आ गया आपका 12 -8 4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स आपके पास 4। इसी केस में बता दूं आपको मैं, अगर डिफरेंस आपका a बाई चांस यहां पे ग्रेटर देन 0 आ जाता तो उसके ऑपोजिट मानते हम कि जो फंक्शन के पास इस पॉइंट पे वैल्यू होती वो कितनी होती, वो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू होती। अगर a आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस केस में यही पॉइंट मिनिमम पॉइंट बन जाता और इस पॉइंट पे जो वैल्यू निकलती वो मिनिमम वैल्यू निकलती और अब क्या निकली है मैक्सिमम वैल्यू निकली है डिस्टेंस। इसके बाद हम एक और मोस्ट उनको बताओ मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है तो वो बताओ आप सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप तो वही आपका कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स करेंगे आप, कितना आएगा 4x3 - 4x + 4y करली f by करली y फाइंड करें आप, कितना आएगा आपका 4y³ + 4x - 4y, दोनों का इक्वल टू करना होता है आपने 0 के, यहां से क्या करना होता है आपने x और y के ऑर्डर के जितने पॉसिबल है वो फाइंड कर लें। 4 कॉमन है डिफरेंस
तो वन आके जीरो, फोर को वन से जीरो में डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, सेकेंड बन जाएगी यहाँ से वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन क्या है, इक्वेशन नंबर टू है। डिस्टेंस अब यहाँ से दोनों को आपने सिंप्लीफाई करके सोल्व करके एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है आपको, तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो मैं यही करने वाला हूँ, वन और टू को ऐड करूंगा तो क्या होगा मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। यहाँ से फॉर्मूला होता है आपका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब या तो ये जीरो या आपका ये जीरो, तो ये जीरो होगा तो क्या होगा, यहाँ से मैं कर देता हूँ कि ये इंप्लाइज वाई इक्वल टू माइनस एक्स डायरेक्ट, और क्या होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इस वाले केस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी हमें जो रिक्वायर्ड है जो एक्चुअल हमें वैल्यूज हैं एक्स वाई की वो हमें नहीं मिलने वाली, इमेजिनरी में चला जाएगा यहाँ से, तो इस केस को हम क्या कर देते हैं थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम इस वाले केस को लेंगे वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो जब मैं इस y equal to minus x को इक्वेशन वन में पुट करूंगा तो क्या होगा, put this value in one, तो क्या होगा डिफरेंस, y को minus x पुट करें तो कितना हो जाएगा x cube minus x और y की प्लेस पे minus x equal to zero, x को one है आपका तो x square minus two equal to zero, क्योंकि minus one कितना हो जाएगा minus two, तो या तो आपका x zero या यहाँ से आपका क्या होगा x zero या आपका over एक्स के इक्वल टू कितना आएगा टू आ जाएगा, तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई आपकी एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से कितनी वैल्यू बन रही है आपकी एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू कह सकते हैं आप, और माइनस अंडर रूट टू, एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू, ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं आपकी। तो अब वाई चूंकि हमारा माइनस एक्स है तो इसके कोरिस्पोंडिंग ऑपोजिट साइंस के साथ आ जाएगा, तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे पॉसिबल क्या क्या बनेंगे, एक्स जीरो है तो वाई में कितना होगा जीरो, अगर x आपका अंडर रूट टू है, अगर x अंडर रूट टू है तो y कितना होगा उसको वही साइन होगा माइनस अंडर रूट टू हो जाएगा, अगर x माइनस अंडर रूट टू है तो y आपका इसको वही साइन अंडर रूट टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू है। इन्हीं पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, चेक करते हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करने का प्रोसेस क्या है, मैं बात करता हूँ पहले डिस्टेंस एट जीरो जीरो, तो एट जीरो जीरो पे हमने क्या करना है, पहले बात करना है एट जीरो जीरो की, सो आप क्या करें करली टू एफ बाई करली एक्स स्केयर फाइंड कर लें, क्या होगा यहाँ से आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्केयर, ट्वेल्व एक्स स्केयर माइनस फोर, ठीक है, तो एट जीरो जीरो की बात कर रहे हैं हम, तो ए कितना हो जाएगा आपका करली टू एफ बाई करली एक्स स्केयर एट जीरो जीरो की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जीरो एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा माइनस फोर आ गया, बी की बात करते हैं तो उसके लिए करली टू एफ बाई करली एक्स करली वाई की एड होगी हमें, मतलब जो x के स्पेक्ट्रम है उसको y के स्पेक्ट्रम डेरिवेट कर दो, x को y के ये ऐसे करें कि y को y वाले को x के स्पेक्ट्रम में कर दें, x वाले को y के स्पेक्ट्रम में कर दें, मर्जी है आपकी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, x वाला जो डेरिवेटिव उसको y के स्पेक्ट्रम में करेंगे तो x y के स्पेक्ट्रम में करेंगे तो जीरो, ये भी जीरो, y का क्या हो जाएगा फोर आपका आ जाएगा, तो ये तो फोर ही बनेगा, तो उसको डायरेक्ट कर देता हूँ ये कितना है आपका बी, क्योंकि आप उसको पुट ही नहीं कर सकते माइंड जीरो 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 पुट करेंगे तो कॉन्स्टेंट ये जीरो। अब बात करते हैं करली टू एफ बाई करली वाई स्क्वायर की, तो करली टू एफ बाई करली वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा ये ट्वेल्व वाई स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर, ठीक है, वाई के स्पेक्ट में किया गया, तो यहाँ से मैं बात करता हूँ सी की, तो सी कितना आएगा करली टू एफ बाई करली वाई स्क्वायर एट जीरो जीरो कितना आएगा आपका माइनस फोर। अब बात करते हैं हम ए सी माइनस बी स्क्वायर की, ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस फोर एंड सी माइनस फोर तो कितना आ गया माइनस फोर सिक्सटीन माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है फोर, तो माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन कितना आ गया जीरो। सो रिसेंटली ये वो वाला केस है आपका जब यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो आया, हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, या तो ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आया था, ग्रेटर देन जीरो है तो फर्दर हम चेक करते हैं ए के साइन से कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर है तो वहीं पे छोड़ देते हैं, हम कह देते हैं कि जो पॉइंट है वो सेटल पॉइंट है आपका, बट अगर यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो आया तो उस केस में क्या होगा, ऐसे केस में डिफरेंस हमें क्या होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट कैसे हम करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, इसको केयरफुली देखेंगे, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने
इसलिए लिया इस क्वेश्चन को, इसमें प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स को। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो हम बात कर रहे हैं 0:0 एट, यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें रिक्वायर होगी, क्या होगी देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्या, यहाँ से ये चेक करना होता है आपने एट 0:0 कि जब आपका एफ ऑफ, ठीक है, ए प्लस एच बी प्लस के, मतलब मैं क्या करूंगा 0+H एंड 0+K माइनस एफ ऑफ 0:0 इसकी वैल्यू निकालनी होती है। एक्चुअल बताऊं जो आपके पास फॉर्म है वो क्या होती है, डिफरेंस ये होता है, देखो अगर बाई चांस आपके पास मान लिया आप किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर मान लिया ए बी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, और ए बी पॉइंट पे बाई चांस आपका ए सी माइनस जो बी स्क्वायर है वो 0 आ जाए, तो उस केस में हमें ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट होती है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, ये वैल्यू हमें चेक करनी होती है दो केस में, कि फर्स्ट क्या जब हमारा एच और के नॉट इक्वल हो, सेकंड केस में क्या हमारा जब एच और के जो है हमारे इक्वल हो। यही सेम वैल्यू की एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए, ये सेम वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे केस कैसे बनता है देखो, अगर तो दोनों की वैल्यू आपकी सेम साइन की है, अगर दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट हमारा ग्रेटर है तो लेस, मतलब ग्रेटर है तो मिनिमम, कि ये पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर ये आपके लेस देन 0 आ जाए दोनों के दोनों, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर बाई चांस ये दोनों के दोनों ओपोजिट साइन कह जाए कि एक लेस आ जाए दूसरा ग्रेटर आ जाए, तो हम कहते हैं कि उस केस में कि जो ये पॉइंट है वो आपका सेडल पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दिस इज द केस। तो हमारा डिफरेंस ए बी के प्लेस पे कौन काम कर रहा है, 0:0 काम कर रहा है, तो मुझे चेक करना है 0+H 0+K माइनस एफ ऑफ ए बी, ए बी कौन है हमारा 0:0। तो मैं इसको फर्स्ट केस ले रहा हूँ डिफरेंस क्या, ये वाला ले रहा हूँ कि जब आपका जो एच है वो के इक्वल नहीं है, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा, और जो एच और के है जैसे मैं बता दूं आपको, एच और के आर दी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन ए बी, मतलब इन 0:0। स्मॉल इंक्रीमेंट से मतलब एच हो सकता है आपका कि एच जो है वो 0.1 हो या 0.001 हो, इनका क्योंकि यूज होगा, बताता हूँ मैं कैसे। तो आप पहले वैल्यू फाइंड कर लें, एफ तो यही है बच्चों आपका, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एच पुट करें, वाई के प्लेस पे के, क्या आएगा, एच रेज टू दी पावर 4 एच रेज टू दी पावर 4 प्लस के रेज टू दी पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर प्लस 4h के माइनस 2h स्क्वायर, ये बना रिएक्शन। अब आपको मैं एक बार बता दूं रिएक्शन, देखो मैंने कहा कि h क्या है, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट रिएक्शन, जब आपका h स्मॉल इंक्रीमेंट है, मान लिया h 0.1 है, तो 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करूं रिएक्शन तो क्या आएगा, 0.01 आएगा, अगेन मैं क्यूब करूं तो कितना आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। मतलब क्या कि जितना छोटा पॉइंट होगा अगर मैं उसकी पावर हायर करता जा रहा हूं तो वो और जीरो के पास होता चला जा रहा है, तो हम उसको अप्रोक्स 0 मान लेते हैं। तो इसी केस को मैं यहां पे अप्लाई करते हुए क्या करता हूं कि जो एच एंड के की हायर पावर्स हैं डिफरेंस वो क्या कर देता हूं, मैं नेगलेक्ट कर देता हूं, ठीक है, ये बात आपको समझ आई। उसके बाद ये तो मेरी हो चुकी है नेगलेक्ट, ये मेरे पास नेगलेक्ट, ठीक है, दोनों में क्या पूरे इसमें से मैं अगर मैं माइनस 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि मुझे करना है साइन चेक, माइनस कॉमन 2 भी कॉमन, तो आपका बना एच स्क्वायर माइनस 2hk और आपका ये 2, ये है आपका रिजल्ट k स्क्वायर, क्योंकि यहां पे आपका क्या है y स्क्वायर है, तो y के प्लेस पे तो k है, तो ये आपका आ गया k का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, प्लस है सॉरी, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो तो पॉजिटिव ही देगा आपको, बट साइन क्या है बाहर नेगेटिव है, तो इसका जो साइन है वो रहने वाला है लेस देन 0। अब ये बात हुई एच नॉट इक्वल टू के, अगर मैं बात करूं सेकंड केस में डिफरेंस एट, जब आपका जो एच है वो के इक्वल हो, उस केस में क्या होगा, सेम वैल्यू निकालूंगा एफ ओ 0+H 0+K
माइनस एफ जीरो जीरो बात करते हैं। तो यही है भैया, एच की प्लेस पे आपने बस क्या करना है, के ही रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एच रेज टू द पावर फोर। तो एच और के में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा ना, फिर तो आप के की जगह एच ही कर दो। तो एच फोर प्लस एच रेज टू द पावर फोर माइनस टू एच स्केयर प्लस फोर एच स्केयर माइनस टू एच स्केयर। भैया सभी ऐसे में हो गई। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, ये टू एच स्केयर और ये आपका माइनस का टू एच स्केयर, कितना हो गया आपका माइनस का फोर एच स्केयर। तो प्लस फोर एच स्केयर कितना हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया। और ये क्या है आपका ट्वाइस ऑफ एच रेज टू द पावर फोर। तो अगेन देखो क्या होगा, एच तो वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो ये तो क्या साइन देगा आपको डिफरेंस, पॉजिटिव साइन देगा, पॉजिटिव ही है तो ये आपका ग्रेटर देन जीरो है। साइन देख सकते हैं आप, ये आपका आया है, ये वाली थिंग आई है आपकी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, ये वाली थिंग आई है यहाँ पे आपको लेस देन जीरो। तो मैंने बताया था जब इन दोनों के साइन ओपोजिट हो तो हम कहते हैं कि जो पॉइंट है वो हमारा सैडल पॉइंट होगा। इट मीन्स जो हमारा जीरो जीरो है डिफरेंस वो कैसा पॉइंट बना, हमारा सैडल पॉइंट बना। अगर यहाँ पे दोनों के साइन पॉजिटिव होते तो हम कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे। अगर दोनों के जो साइन है वो आपके अगर लेस देन जीरो होते, नेगेटिव होते, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं हम अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू, ठीक है। तो अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू की बात करते हैं, एट अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू। तो सब कुछ वैल्यू फाइंड हो चुकी है ऑलरेडी, ए कितना आएगा बात करते हैं। तो भैया कर ले टू एफ बाई कर ले एक्स के लिए है, पुट क्या करना है एक्स के प्लेस पे अंडर रूट टू। तो अंडर रूट टू का स्केयर टू, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर माइनस फोर आपको ट्वेंटी आएगा। ये बी तो आपका है ही फोर, तो बी कितना है आपका फोर, उसमें तो पॉइंट पुट कर नहीं सकते, तो कॉन्स्टेंट आया हुआ है। कर ले टू एफ बाई, कर ले टू एफ बाई कर ले बाई स्केयर की बात करते हैं, मतलब सी की बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे आपका एक्स की प्लेस पे अंडर रूट टू, वाई के प्लेस पे माइनस अंडर रूट टू रखेंगे तो माइनस अंडर रूट टू का स्केयर भी कितना हो जाएगा, टू ट्वेल्व टू जाए ट्वेंटी फोर माइनस फोर ट्वेंटी। तो मैं ए सी माइनस बी स्केयर की बात करता हूँ, कितना होगा ट्वेंटी, ट्वेंटी आपका फोर हंड्रेड हो जाएगा, फोर हंड्रेड माइनस आपका सिक्सटीन, तो जितना भी आएगा आई थिंक ये आएगा आपका थ्री एटी फोर, एटी फोर प्लस सिक्स नाइनटी हंड्रेड, ठीक है एटी फोर। तो ये आया आपका पॉजिटिव, ए क्या है आपका पॉजिटिव ही है। तो आपका अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसा हुआ आपका, इस पॉइंट पर कैसी वैल्यू मिलेगी आपको, मिनिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पर। अगर वैल्यू पूछ रहे मिनिमम तो इस पॉइंट पर डिफरेंस आप फंक्शन में पुट कर दीजिएगा तो आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलर वे में आप इस पॉइंट पर अपने आप फाइंड करके देखना कि कैसी वैल्यू आएगी, कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कि इस पॉइंट पे आपकी कैसी वैल्यू आ रही है, सिमिलर प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके लैग्रेंज मल्टीप्लायर पे डिपेंड होंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एक वीडियो और आएगी इसकी। सो स्टूडेंट्स तब तक आप बने रहें हमारे साथ और खुश रहें, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।